भोजपुरी के लीजेंड भिखारी ठाकुर पर बनी लोक गायिका सह भाजपा अभिनेत्री सिंगर कल्पना पटवारी ने एक एल्बम द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2 का विमोचन पटना में किया है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और भाजपा के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी के हाथों इस एल्बम का विमोचन हुआ। इस मौके पर खुद कल्पना पटवारी और एल्बम के लिविंग लीजेंड 109 वर्षीय रामाज्ञा राम भी मौजूद रहे। भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि भिखारी ठाकुर के बगैर भोजपुरी की बात बेईमानी होगी। भोजपुरी और भिखारी ठाकुर का संबंध चोली दामन का है। महापंडित राहुल सांस्कृतियानन ने भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर तक कह दिया था, इसलिए आज जरूरत है कि उनकी विरासत को संवारने संभालने की, जिसके प्रति सरकार सजग है। साथ ही प्लेबैक सिंगर कल्पना पटवारी का इस दिशा में किया गया काम भी सराहनीय है। कल्पना ने कहा कि जिस भोजपुरी को भिखारी ठाकुर जैसे कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, उसी भोजपुरी को अपने ही राज्य में बोली से भाषा बनने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कल्पना ने कहा कि भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर तो कहा जाता है, लेकिन क्या हम सही मायनों में उन्हें शेक्सपियर का सम्मान दे पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब तक भोजपुरी को पूर्ण भाषा का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक हम भिखारी ठाकुर श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। वहीं कल्पना पटवारी और भाजपा कला सांस्कृतिक की ओर से भिखारी ठाकुर आश्रम कुतुबपुर के जीर्णोद्वार के लिए 2 लाख का चेक भी दिया गया है, ताकि भिखारी ठाकुर के तो कुतुबपुर आश्रम को एक हेरिटेज के रूप में विकसित कर वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को उनसे जानने और सीखने का मौका मिल सके। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।